नजर आपके साथ हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे पैसे दो पद लो। सवाल था 5 लाख खर्च होंगे, 5 लाख पूरे ज्यादा 5 सौ तो 15 की पूरा आवाज चाहिए, 15 ज्यादा चाहिए, और ज्यादा 15 से ज्यादा। आप कोई भी आप दो गाइस बैठा लो, आपसे ज्यादा नहीं चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना सिंहासन बचाने के लिए बीजेपी ने चुनावी घोड़े दौड़ा दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश संगठन ने बड़े पैमाने पर फेरबदल और नई नियुक्तियां शुरू कर दी हैं। बूथ स्तर तक पद बांटे गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि 6 सह प्रभारी बनाए गए हैं। इसी के साथ 6 क्षेत्रों के संगठन प्रभारियों की भी घोषणा की गई है। सीएम से लेकर पीएम तक यूपी के चुनावी भंवर में कूद चुके हैं। ऐसे में बरेली से आई एक तस्वीर ने संगठन की सारी कहानी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। दिया होगा, दिया है। अमन का आपसे 4 महीने के बाद तो उसी को प्रूव कहोगे, कहोगे यार वहाँ यही था। आप कोषाध्यक्ष हो, कोई पार्टनर नहीं को नहीं, इनकी सेटिंग भी तो ऊपर है आदिवासी सबसे सीरियस। आपने देखा किस तरह से भाजपा कार्यालय के कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम में भाजपा बरेली के आईटी हेड शुभांग सक्सेना पैसे देकर पद देने की बात कर रहा है कि जिसके पास जितना पैसा उसकी उतनी धौंस। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी पैसा देकर क्या पद बांटे जाते हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी का यूपी का संगठन के जो करता धरता है, क्या नए सिरे से इस मसले की जांच कराएंगे या फिर विपक्ष के हमले से यूं ही दफन कर देंगे? तो मैं नहीं मानता, मैंने किसी को दिया होगा, दिया है। दिया होगा। अमन का आपसे 4 महीने बाद तुम उसी को प्रूव कहोगे, कहोगे यार तुम्हारा यही था। सवाल क्या था, 5 लाख खर्च होंगे, 5 लाख पूरे ज्यादा 5 सौ तो 15 की और ज्यादा 15 से ज्यादा 15 लाख से ज्यादा। अरे अभी तो मैंने उसे गालियां बकी, वो चूत ही है, तू हमें दे देता है, दे दो आधे में तेरा काम डलवा देते फिर देर से। अरे मर गया। के न्यूज भाजपा की इस पैसे देकर पद देने की बात पर अहम सवाल उठा रहा है। क्या सब कुछ पहले से ही फिक्स होता है? क्या बड़ा पद पाने के लिए लखनऊ पहुंचाया जाता है पैसा? सूत्रों के हवाले से ये मामला हमारे सामने है, जिसकी के न्यूज इंडिया पुष्टि नहीं करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। के न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता ये हम कह रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर बरेली की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पैसा दो और मन मांगा पद लो, ये तस्वीर देखने को मिल रही है। 5 लाख नहीं 15 लाख, 15 लाख नहीं उससे ज़्यादा पैसे की डिमांड जो है वो की जा रही है और उसके एवज में पद बांटे जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि हमारी पहुंच जो है वो बहुत ऊपर तक है। ये ऊपर तक कहाँ पहुंच है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अमर मेरा चचेरा भाई है, ये वीडियो में जो ये शख्स बोल रहा है उसको हम टेक्स्ट के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से बीजेपी ऑफिस के मीटिंग रूम में ये बातचीत चल रही है, जहां पर ये कहा जा रहा है तुम कोषाध्यक्ष के पट बांटो, बांटो कोषाध्यक्ष पट, पैसे दो और पद लो, ये कहानी चल रही है। क्या आला कमान को ये तस्वीर पता है? बड़ा सवाल ये सिस्टम में जब ये बात कही जा रही है कि हमारा जो नेटवर्क है ये बहुत ऊपर तक है और ये जो पैसा लिया जाता है ये ऊपर तक जाता है, तो ये पैसा कहाँ तक जाता है? तस्वीरें बरेली की है, जिसके पास जितना पैसा उसकी उतनी धौंस, ये बात कही जा रही है और ये तस्वीरों में देखकर भी पता लगा। जिसके पास पैसा जितना ज्यादा होगा
उसके पास पद भी होगा, उसके पास पावर भी होगी, उसकी धौंस भी होगी। तो आने वाले वक्त में जिस तरह से बीजेपी अपने से लोगों को जोड़ रही है, क्या ये तस्वीर बहुत कुछ गवाही भी साफ तौर पे दे रही है। लेकिन फिलहाल के न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। जिसके पास जितना पैसा उसकी उतनी धौंस। अब कोषाध्यक्ष हैं, कोष बांटना सीख, ये बात कही जा रही है। कभी कोई भी पद डालो, अमन मेरा चचेरा भाई है। ये कई बातें हैं जो ये शख्स वीडियो में जिसको आप देख रहे हैं वो कह रहा है। 5 लाख खर्चा होंगे, 5 से ज्यादा 15 लाख तक की बात पहुंच रही है। ये सब कुछ बरेली में चल रहा है। पैसा देकर, पैसा लेकर पदों को बांटा जा रहा है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बरेली से। और सीधे लखनऊ लेके चलते हैं आपको, जहां पर आम आदमी पार्टी के अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। इस प्रकार का आयोजन किया जाएगा जिसकी शुरुआत 3 तारीख से होगी। राजसत्ता के संचालन के लिए चाणक्य की जो नीति है, जो एक वाक्यों में समझी जा सकती है, चाणक्य ने कहा था जिस देश का राजा विशाल भवनों में रहता है उस देश की जनता झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर होती है। ऐसे सोच, ऐसे विचार को लेकर, उससे जुड़ी तमाम बातों को लेकर आम आदमी पार्टी चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन करेगी। अब मैं निवेदन करूंगा श्री हरशंकर पांडे जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब जानते हैं, पीसीएस संघ के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत रहे, मौजूदा हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं और अब आम आदमी पार्टी में प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों के अंदर हरशंकर पांडे जी के नेतृत्व में चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन जगह जगह पे किया जाएगा। इसके उद्देश्य के बारे में और आगे जो इसकी चर्चा है वो आपसे पांडे जी को मैं मुखातिब करता हूं, को अपने विचार रखेंगे। आदरणीय संजय सिंह जी, हमारे पत्रकार बंधु, आज हम सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं अपने नेता माननीय संजय सिंह जी के, जिन्होंने ब्राह्मणों के सम्मान की रक्षा के लिए और ब्राह्मणों के साथ हो रहे अपमान, हत्या, उनके साथ अनेकों प्रकार का उत्पीड़न का जो कार्य है हो रहा है वर्तमान सरकार द्वारा, उसको दूर करने के लिए स्पष्ट संदेश दिया है, जो शायद संजय सिंह जी जैसे व्यक्तित्व को छोड़ के किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मौजूदा सरकार के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग करके खुले रूप में स्पष्ट करे कि ब्राह्मण के साथ हैं, वो हर उत्पीड़न के साथ हैं, चाहे वो जिस संवर्ग का हो। लेकिन चूंकि अधिकता ब्राह्मणों की हुई है, इसलिए हमारे संजय सिंह जी ने जो पहल की है, हम उसके लिए अपने सारे ब्राह्मण समाज की ओर से हम इनको लाख लाख बधाई देना चाहते हैं। तो यूपी में आम आदमी पार्टी चाणक्य के विचार सम्मेलन करने जा रही, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जा रहा था। लेकिन एक तस्वीर हम इस वक्त बरेली की दिखा रहे हैं, जिसके बारे में अब आपको बता रहे हैं। पैसा दो, पद लो, जो वीडियो भी हमने आपको दिखाया, जहां पर पदों को रेवड़ियों की तरह बांटा जा रहा है, मोटी रकम लेकर, जिसे कह सकते हैं, इन पदों को बांटा जा रहा है। के न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बरेली की जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत कुछ सवाल साफ तौर पे उठा रही हैं। एक तरफ बीजेपी बड़े पैमाने पर बूथ लेवल से लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जोड़ने का जो तरीका है वो बरेली में जिस तरह का देखने को मिल रहा है
वो काफ़ी हैरान कर देने वाला है। और ये बातें कही जा रही हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है और ये पैसा जो लिया जाता है ये ऊपर तक जाता है। फिलहाल पैसा दो पद लो में हम एक बार फिर से ये वीडियो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वीडियो देखिए। दिया है दिया होगा अमन का आपसे चार महीने बाद तुम उसी को प्रूफ कहोगे कहो यार तुम्हारा यही था और बताओ तुम्हें इतनी बार तुम्हें बताऊंगा दे आप कोषाध्यक्ष हो कोई पार्टनर सी को नहीं इनकी सेटिंग भी तो ऊपर है सबसे सीधे आप कोई भी आप दो पैसे बैठा लो आप मेरा चचेरा भाई है तो बता के खर्च हुआ तो अमन ने कोई बताइए अमन जब मैं जाना पड़ता था मेरे एक साथ जूनियर सवाल चाहता 5 लाख खर्च होंगे 5 लाख पूरे ज्यादा 5 चाहिए तो 15 की पूरा बात सही है 15 ज्यादा थे और ज्यादा 15 से ज्यादा 15 लाख से ज्यादा अरे अभी तो मैंने उसे गाड़ी लगा दी वो चूर दिया है तू हमें दे देता है दे तो आधे में तेरा काम डलवा देते फिर देर से अरे मर गया मैं नहीं मानता मैंने किसी को दिया होगा। तो ये तस्वीरें हैं बरेली की और शानू कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं और हैदर अली समाजवादी पार्टी के नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हैदर अली जी बहुत बहुत स्वागत है, सबसे पहले सीधे शानू कुमार के पास चलते हैं। शानू कुमार एक तस्वीर जो बरेली से आपने भेजी जो वीडियो सामने आया है मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो इस वीडियो के बारे में बताएँ जो पीली टी शर्ट पहने शख्स बैठा हुआ है ये कौन है और जो जिसकी आवाज़ आ रही है इसमें जो कैमरे की तरफ से बोल रहा है वो शख्स कौन है और क्या बातें चल रही हैं क्या डील चल रही है इसके बारे में शानू कुमार मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले बताएं। देखिए आरिश जी बिल्कुल ये बता दूं ये बरेली की भाजपा की टीमों के सदस्य हैं जो कि बड़ा संगीन ये दृश्य देखने को मिला जिसमें एक पार्टी कार्यालय के रूम में जो कि मीटिंग रूम होता है वहां से ये बातें सामने निकल के आती हैं कि जो पद ग्रहण किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की दम पर किए जाते हैं। साफ तौर पर ये जो पीली टी शर्ट में पहने हुआ ये शख्स है ये बरेली के जिस तरीके से जानकारी मिली है ये बरेली की भाजपा IT विभाग का हेड है जिसका नाम शुभांग सक्सेना है और ये साफ तौर पर से दर्शा रहा है जो कि जो 4-5 लोग इकट्ठे बैठे हैं सभी पार्टी के पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं। साफ तौर पर से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस तरीके से ज्वाइनिंग होती है जानकारी के मुताबिक जो ये आवाज है जो आवाज की पुष्टि हुई है ये गौरव गुप्ता जो कि कोषाध्यक्ष हैं और दूसरे जो नेता है ये भी पार्टी के पदाधिकारी हैं जो कि क्वेश्चन कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो ज्वाइनिंग हो रही है तो जो पीली टी शर्ट में जो व्यक्ति बैठा है ये भाजपा का पदाधिकारी है जो कि IT विभाग का हेड है शुभांग सक्सेना ये साफ तौर पर से क्लियर कर रहे हैं कि किस तरीके से पद जो कि बरेली में जो अभी जो नवनिर्वाचित हुए हैं जो पदाधिकारी हुए हैं जो कि युवा मोर्चा की बात करें या फिर महानगर टीम की बात करें उसमें साफ तौर पर से उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो अमन सक्सेना है जो कि भाजपा के महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा बनाए गए हैं पैसे की दम पर उन्होंने पद ग्रहण शानू कुमार जैसा अगर हम जानना चाहें कि किस तरह के पदों को जो है ये बांटा जा रहा है रेवड़ियों की तरह और उसके एवज में कितना पैसा लिया जा रहा है। इसने भाजपा के खेमे में बड़ा तहलका मचा दिया है कि ये आखिर वीडियो ये भाजपा के जो IT विभाग जो कि एक बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो ऐसी बात कैसे कह सकता है जो कि भाजपा के जो बड़े पदाधिकारी हैं महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से जानकारी दी है उनका साफ तौर पर से कहना है कि ये कोई ज्यादा बड़ा मामला नहीं है ये छोटा सा बच्चों ने वायरल कर दिया है लेकिन शानू आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है तो शानू तक हमारी आवाज़ उनकी नहीं पहुंच पा रही है उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो पीली शख्स में ये शख्स बैठा हुआ है टी शर्ट पहने पीली टी शर्ट पहने ये बरेली जो है IT सेल का शानू एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शानू अपनी बात को पूरा करें। जी आ रही है आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ आपकी आवाज़ आ रही है शानू बात को मुकम्मल करें। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी शानू आपकी आवाज आ रही है। जी आपको बता दूं जिस तरीके से ये जी जिस तरीके से ये जो भाजपा बरेली की जो टीम के साथ में ये जो
जो पदाधिकारी है उनकी तरफ से ये बात निकल के आई है, तो कहीं ना कहीं अब बरेली जो भाजपा की टीम है इसमें साफ तौर पर से ये जाहिर हो गया है। और ये जो बातचीत चल रही थी, ये पूरा नजरिया था, ये भाजपा के जो महानगर का जो कार्यालय है वहां से ये वीडियो वायरल किया गया है। और साफ तौर पर से इसमें आईटी विभाग के हेड कह रहे हैं कि 5 लाख 10 लाख 15 लाख से रुपए से ज्यादा में पद इस समय बरेली भाजपा को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा सवाल उठता है कि बरेली भाजपा अब जो है पदाधिकारियों को पद देने के लिए बड़ी मोटी रकम वसूल रही है। जी, तो पदाधिकारियों को पद देने के लिए 5 लाख 10 लाख 15 लाख या उससे भी ज्यादा पद की रकम वसूली जा रही है। हमारे साथ हैदर अली भी जुड़े हुए हैं। हैदर अली, बरेली से जो वीडियो आया है जिसमें रेवड़ियों की तरह पैसे लेकर पदाधिकारियों के पद बांटे जा रहे हैं, क्या कहेगी समाजवादी इसको लेकर? हैदर अली, आवाज नहीं आ रही आपकी। हैदर अली शायद म्यूट हो गया होगा, मैं चाहूंगा कि अनम्यूट कर लें। तो शायद हैदर अली तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं चाहूंगा कि आवाज को दुरुस्त किया जाए ताकि के हैदर अली से भी हमारी बात हो सके। फिलहाल शानू कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। शानू, इस पूरे मामले में जैसा कि आपने बताया, इस वीडियो के बारे में भी हम बता रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि ये जो पैसा लिया जाता है ये ऊपर तक सेटिंग है, ऊपर तक पैसा जाता है, ये कहाँ तक की सेटिंग है, कहाँ तक ये पैसा जा रहा है जो इतना 15 लाख की रकम ली जा रही है, 10 लाख 15 लाख या उससे भी ज्यादा की रकम ली जा रही है? देखिए बिल्कुल आरिफ जी, ये साफ जाहिर हो गया है शुभांग सक्सेना की जुबानी में, जो कि आईटी विभाग के हेड है, उन्होंने साफ तौर पर से कह दिया यहां से लेके बड़े पदाधिकारियों तक पैसा जाता है, चाहे लखनऊ की बात करें या फिर बरेली भाजपा टीम की बात करें। और उन्होंने उन्होंने साफ जाहिर ये भी किया है कि छोटी मोटी रकम 5 लाख से कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट 10 से 15 लाख बात की जाए। तो अब कहीं ना कहीं ये साफ क्लियर हो चुका है कि जो बरेली भाजपा की टीम है ये पैसों पर पद बांट रही है। लेकिन इस पर हमारे महानगर अध्यक्ष हैं डॉक्टर के अमरोला, भाजपा बरेली के, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर से टाल मटोली करते हुए कह दिया कि अभी ऐसा कोई मामला जो वीडियो वायरल हो रहा है ये सिर्फ बच्चों की बातचीत का वीडियो वायरल किया गया है और ऐसा कोई भी मतलब इस वीडियो का बात बनता नहीं है और आप बस इस खबर का तूल पकड़ रहे हैं। तो आप आरिफ जी साफ तौर से जाहिर कर देख सकते हैं कि जो वीडियो है वो वीडियो के बनाया, वो वीडियो किसी भी सोशल मीडिया ने नहीं बनाया, वो वीडियो खुद भाजपा के पदाधिकारियों ने बनाया है। और जिसको शानू, आपने सवाल उनसे नहीं किया कि आप बच्चों की बात कर रहे हैं, ये बच्चे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख की बातें कर रहे हैं, कोषाध्यक्ष के पट बांटो, आपको तो बांटने से लेने देना है, ये सवाल आपने नहीं किया उनको, कहां से बच्चे नजर आ रहे हैं? ठीक है शानू तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया कि ये वीडियो तो कह रहे हैं, उनका कहना है कि ये बच्चे हैं। मैं नहीं मानता मैंने किसी को दिया होगा, दिया है दिया होगा अमन का, आपसे 4 महीने बाद तुम उसी को प्रूव कहोगे, कहोगे यार तुम्हारा यही था और बताओ, तुम्हें इतनी बार तुम्हें बताना चाहिए। आप कोषाध्यक्ष हो, कोई पार्टनर नहीं को नहीं, इनकी सेटिंग भी तो ऊपर है आदिवासी सबसे सीधे। आप कोई भी आप दो का बैठा लो, आपसे चेहरा निकल जाएगी। अमन मेरा चेहरा भाई है तो बता के खर्च हुआ। तो अमन ने इतने कोई बताइए, अमन जब मैं जाना पड़ता था मेरे एक साथ जूनियर सवाल से था 5 लाख खर्च होंगे, 5 लाख पूरे ज्यादा ज्यादा 5 चाहिए तो 15 से भी ज्यादा, 15 लाख से ज्यादा। अरे तभी तो मैंने उसे गालियां लगी, वो चूतिया है, तू हमें दे देता है, तो आधे में तेरा काम डलवा देते फिर देर से। तो 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 15 लाख से भी ज्यादा, ये सब कुछ बरेली में चल रहा है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सवाल क्या था, 5 लाख खर्च होंगे, 5 लाख पूरे ज्यादा 5 चाहिए तो 15 की रहा बात चाहिए, 15 ज्यादा है और ज्यादा 15 से ज्यादा। आप कोई भी आप दो का बैठा लो, आपसे ज्यादा निकल जाएगी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया खबरों का सारथी। सवाल देता 5 लाख खर्च होंगे, 5 लाख पूरे ज्यादा 5 चाहिए तो 15 की पूरा आवाज चाहिए। 15 ज्यादा दे, और ज्यादा 15 से ज्यादा। आप कोई भी आप दो गाइस बैठा लो, आपको ज्यादा चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पैसा दो पद दो वीडियो हमने दिखाया, लेकिन हम के न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैदर साहब जुड़ गए हैं। हैदर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, क्या कहेंगे जो बरेली में वीडियो सामने आया है? हैदर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हैदर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शुरू से ही पैसे के खेल में मैं आदिश भाई बता रहा हूं। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है हैदर, बोले। ये पोस्टे दे जी, मेरी आवाज आप तक जी, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, अपनी बात को पूरा करें जी। आदिश साहब, मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी के टाइम से ही पैसे के लेन देन को बाकायदा सार्वजनिक किया गया था, और वो पद ही नहीं लेकर सिर्फ पैसे से के बदले पद दिए जाते हैं। मैं तो ये, मैंने पास तो ये खबरें तक आई है कि जो ये इनकाउंटर का खेल हुआ है, फर्जी इनकाउंटर, इसमें एक दूसरे के दुश्मनों ने करोड़ों रुपए देकर, कई सौ करोड़ रुपए देकर अपने दुश्मनों का सफाया कराया। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय पैसा लेकर काम करने वाली पार्टी बन चुकी है। सुपारी पक्की भी सुपारी और जानों की भी सुपारी लेकर भारतीय जनता पार्टी अब अपना पैसे का खजाना भर रही है। भारतीय जनता पार्टी पैसों का खजाना भर रही है, ये बात हैदर अली समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं। शानू भी हमारे साथ है। शानू, ये जो बात कही गई कि भाई इतनी बड़ी रकम ली जाती है और ये पैसा राजधानी दिल्ली तक जाता है, किसके पास पैसा जाता है, क्या वो नाम अब तक सामने आया है, इसको लेकर कोई बात पता लग पाई है? देखिए आरिफ जी, बिल्कुल बता दूं, ऐसा कुछ अभी क्लियरफिकेशन नहीं हो पा रहा है कि ये जो आईटी हेड के जो पदाधिकारी हैं, जो हेड हैं, वो किस तरीके से ये बात को वो उन्होंने सामने पदाधिकारियों के रखा है और उन्होंने बीजेपी के मीटिंग हॉल में बैठ के ये बात कही है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये शंका है, या फिर उनको एक आईटी हेड जो विभाग होता है वो एक बड़ा गोपनीय विभाग होता है, उसके पास सारी जानकारी होती है कि कहां हमारे विभाग में क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो साफ जाहिर होता है कि अगर आईटी हेड का जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं। मैं शानू रोकना चाहूंगा, डॉक्टर के एन अरोड़ा बीजेपी के महानगर अध्यक्ष हैं बरेली के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर के एन अरोड़ा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बरेली की एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर बरेली के आईटी सेल के अध्यक्ष 5 लाख 10 लाख 15 लाख की बातें कर रहे हैं, मुमांगा पैसा लेके पद देने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, ये अभी मैंने जुड़े हैं हमारे आईटी के संयोजक हैं और बहुत सारी रीति नीति ये जानते नहीं हैं। बचपने में इन्होंने इस ढंग से, कुछ लोगों ने इनसे जबरदस्ती, जो विरोधी ग्रुप के लोग हैं उन लोगों ने इनसे जबरदस्ती कहलवाई है। ये बहुत ही साधारण और शुद्ध व्यक्ति है। ये कहां से आपको केएन साहब साधारण और शुद्ध नजर आ रहे हैं, जहां पे ये 5 लाख 10 लाख 15 लाख की बातें कर रहे हैं, कोषाध्यक्ष का पद बांटो, आपको बांटने से लेना देना है, हमारी पहुंच ऊपर तक है, ये कहां से साधारण और शुद्ध व्यक्ति नजर आ रहे हैं आपको? ठीक है ना, ये हमारा कार्यकर्ता है और अभी बचपने में अगर कोई बात गलत इसके मुंह से निकली है तो उसके लिए ये सॉरी भी बोला और किसी ने इसको जबरदस्ती कह के कहलवा दिया ये सब बात। महोदय, बचपना कैसे कह सकते हैं भाई, पार्टी की जिम्मेदारी है, आईटी सेल का अध्यक्ष है, जो छोटी मोटा पद नहीं है भाई, आईटी
हम तो तमाम सोशल मीडिया पे देखा करते हैं चीज़ों को, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बचपना है ये छोटी मोटी बात है, क्योंकि इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं और पार्टी की छवि को इससे नुकसान पहुंचेगा। जी जी जी, ये छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए ही कुछ लोगों की मिली भगत से ये हरकत हुई है। हालांकि इसमें भी सत्यता नहीं है, हम इसकी जांच करवा रहे हैं, अगर जो भी दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। क्या 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 ये वीडियो आपने देखा है, ये मामला आपके संज्ञान में आया, कब आया, इसके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं हमें? जी मैंने देखा था और इस वीडियो को देखकर मुझको, मैंने उसको भी बुलवाया था जो हमारा आईटी का संयोजक है, और मैंने उससे बात की थी तो बोला वो मजाक में बात चलती रही और मैंने इस ढंग से गलती से कह गया और मुझको नहीं पता था कि इसकी वीडियो बना रहे हैं ये लोग, तो कुछ विरोधी लोगों ने उसको बैठा लिया था, इस टाइप से कोई बात उसने मुझे बताई। ठीक है डॉक्टर एन अरोड़ा साहब, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैदर साहब भी जुड़े हुए हैं। हैदर, इस वीडियो को लेकर डॉक्टर एन अरोड़ा साहब का कहना है कि भाई एक बचपना है, ये चीजें होती हैं, क्या कहेंगे आप उस पे? डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है कि बच्चे वही करेंगे जो उन्होंने स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी से सीखा है। बंगारू लक्ष्मण जी ने जब करोड़ों रुपए का लेन देन को पूरे देश ने देखा था, आज उनके बच्चे वही कर रहे हैं। एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब से कि वो कृपया करके बताएं कि बरेली में कितने गरीबों को पद दिए गए हैं। ये स्पष्ट है जितने धनाढ्य सेठ हैं सब भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी बनते जा रहे हैं और जो उनके यहाँ वास्तविक कार्यकर्ता थे वो सब पदमुक्त हैं, पदरिक्त हैं। और जिस तरीके से मैं पूछना चाहता हूँ ये इनकाउंटर का जो सौदेबाजी करके ले लेता हूँ डॉक्टर के एन अरोड़ा साहब, आपने सुना जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने कही कि भाई बच्चे ऐसा करेंगे तो बड़ों के बारे में हम क्या बात करेंगे? अब जो बच्चे जो गलतियां ऐसी करते हैं, जो अनर्गल बातों को हवा देते हैं, इसमें कहीं भी कोई सत्यता नहीं है। ये मैंने पूरी जांच करा ली है और हमारे बड़े पदाधिकारियों के संज्ञान में भी है, और अगर किसी की संलिप्तता पाई जाती है पार्टी को बदनाम करने की साजिश में, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हम इसकी जाँच करा रहे हैं और आज शाम तक इसका हम रिजल्ट देंगे। मतलब आपका कहना है कि अभी तक इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है? जांच हो रही है, हमारी पूरी कमेटी बैठी है और इसके बारे में पूरी सत्यता जांची जा रही है। कहीं से कहीं तक अभी तक ऐसा कोई दोष किसी के ऊपर नहीं है, ये फर्जी बात अगर उसने कही है तो हम उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है डॉक्टर एन अरोड़ा साहब, आपका कहना है कि ये जो वीडियो है यह फर्जी है? नहीं, वीडियो फर्जी नहीं है, लेकिन अगर उसने किसी लोगों के बहकावे में आकर इस तरह की बात कही है तो कार्रवाई तो उस पर भी सुनिश्चित होगी। ठीक है, हैदर कुछ कहना चाहते हैं? हैदर बोले। मैं ये पूछना चाहता हूं डॉक्टर के एम अरोड़ा साहब से कि आदरणीय डॉक्टर साहब, क्या कभी लेन देन को लेकर जो आरोप, क्या बल्कि पूरे देश ने देखा था बंगारू लक्ष्मण जी को रुपया लेते हुए, जब आपने आज तक उस वीडियो को असली नहीं माना तो इस वीडियो को असली कैसे मानेंगे? और असली मानने के बाद आप कार्रवाई भी कह रहे हैं, लेकिन वो उनका कहना है कि ये बचपना है, बचपन में छोटी मोटी गलती हो जाती है। सवाल ये है कि अगर बचपन में ऐसी गलतियां होंगी तो बड़ेपन में क्या गलती होगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल मैं आऊंगा हैदर अली आपके पास। डॉक्टर के एन अरोड़ा साहब, आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो पैसा लो और पद लो, ये चल रहा है बरेली में, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सवाल ज्यादा पूरे ज्यादा बात चाहिए तो 15 से भी ज्यादा। आप कोई भी, आप दो गाय बैठा लो, आपको ज्यादा